हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेक्सपियर का सोनेट नंबर 73। ओके, ये है ये सोनेट। थोड़ा बाकी सब सोनेट से थोड़ा सा अलग किस्म का है। क्यों? क्योंकि इसमें पोएट अपने बिलवेड के बारे नहीं, फेयर यूथ के बारे नहीं, अपने बारे ज़्यादा फोकस यहाँ पोएट ने डाला है। ओके, अच्छा, सोनेट के बारे जिसको पता नहीं सोनेट क्या होता है या फिर ये फेयर यूथ ग्रुप ऑफ सोनेट्स क्या है, तो मेरा जो पहला वीडियो है सोनेट नंबर 65 के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आइए आज हम लोग सोनेट नंबर 73 को लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले थोड़ा इसका थीम मैं बता देना चाहता हूँ। ये सोनेट नंबर 73 में जो विलियम शेक्सपियर जो पोएट है, वो खुद ही यहाँ पे स्पीकर है। वो यहाँ पे अपने आप को जो उनका एज बढ़ रहा है, उनका जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है, इसको लेके वो लैमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको लेके वो दुखी है कि उनका जो प्राइम टाइम था, जो यूथ था, वो ऑलरेडी पार हो चुका है। अब वो धीरे धीरे अपने मिडिल एज पार कर चुके हैं, अपना ओल्ड एज के तरफ वो जा रहे हैं। उनका जो यूथ था, जो ब्यूटी था, वो डिक्लाइन कर रहा। ठीक है, लेकिन उनका कंपैरिजन में उनका जो बिलवेड है वो अभी तक काफ़ी जवान है, अभी तक काफ़ी खूबसूरत है। ही इज़ स्टिल वेरी मोर मच मोर यूथफुल, मच मोर ब्यूटीफुल दैन द पोइट हिमसेल्फ। तो इसीलिए वो अपने आप को ऊपर फोकस करके कि वो खुद अभी धीरे धीरे उनका एजिंग हो रहा है, इस चीज़ को रिलेट करके वो अपने जो बिलवेड हैं उनको एड्रेस किए हैं पूरा पोएम। तो चलिए हम लोग अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड। दैट टाइम ऑफ ईयर मतलब साल का वो समय, दाउ मतलब यू, ये पहले भी आप लोग को बता चुका है हम कि ये दाउ दा ये सब ओल्ड इंग्लिश होता है। और शेक्सपियरियन सोनेट में एक खासियत है, सिर्फ सोनेट में ही नहीं, विलियम शेक्सपियर खुद ये थोड़ा बीच बीच में ओल्ड इंग्लिश टर्म यूज़ करना बहुत पसंद करते थे। तो इसलिए उनका प्ले हो या चाहे उनका और कुछ पोएम हो या सोनेट हो, आप लोग को बीच बीच में ये थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश टर्म ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो दाओ मतलब यू। मेस्ट एम ए वाई एस टी, मेस्ट का मतलब होता है एक्चुअली मे, ये जो एस टी है ना, ये एक्चुअली हटा देने से आप लोग को ओरिजिनल आजकल मॉडर्न टर्म मिल जाएगा। ये वर्ब है, ओल्ड इंग्लिश वर्ब में कभी कभी ये एस टी या फिर टी एच का प्रयोग आपको पोएम के बाद में भी दिखेगा, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। उसको हटा देंगे तो आपको मॉडर्न वाला टर्म मिल जाएगा, जैसे एम ए वाई एस टी, यहाँ से आप लोग एस टी हटा दिए तो एम ए वाई मे बचा हुआ है, तो यही इसका मॉडर्न मीनिंग है मे। तो दाउ मेस्ट मतलब यू मे। तो दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, सी या वॉच। ठीक है, देखना। तो साल का वो समय तुम मेरा अंदर देख सकोगे। यहाँ तुम मतलब कौन? तुम मतलब है पोएट का जो बिलवेड है, यानी वही फेयर यूथ। ठीक है, यहाँ दाओ मतलब फेयर यूथ, जिसको पोएट एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड कौन है? ओल्ड और एजिंग कौन है? पोएट खुद। और यंग और ब्यूटीफुल कौन है? वो फेयर यूथ, पोएट का बिलवेड। ठीक है, पोएट का प्यार, उनको वो एड्रेस करके अपना ये जो डिक्लाइंड हालत है, अपना जो ब्यूटी, अपना जो यूथ का डिक्लाइंड हालत है, उसको लेके अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं, उसको लेके अपना जो सैडनेस है वो समझा रहे हैं। ठीक है, व्हेन, फिर सेकंड लाइन में आते हैं, व्हेन येलो लीव्स और नन और फ्यू डू हैंग। तो येलो लीव्स मतलब है जब पीला पीली पत्तियां। ठीक है, तो जनरली ये येलो लीव्स का मतलब क्या होता है? पीली पत्तियां कब क्या इंडिकेट करती हैं? बहुत ताजगी तो इंडिकेट करती नहीं, क्योंकि जो फ्रेश पत्ता होते हैं वो तो हरे होते हैं। पत्ती पीला कब होता है? जब वो थोड़ा सा एजेड हो जाती है ना, थोड़ा सा टाइम पार हो जाए, थोड़ा सा पुराना हो जाती है ना, सूखी हो जाती है, तब वो पीली हो जाती है। तो यहाँ पे येलो लीव्स मतलब जो पत्ता है उसका भी ओल्ड एज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा, और ये येलो लीव्स के थ्रू पोएट अपना भी ओल्ड एज के बारे बोल रहे कि जैसे ये वो नेचुरल इमेजरीज है। ठीक है, ये जो येलो लीव्स है ये एक नेचुरल इमेजरी है यहाँ, इसका थ्रू पोएट अपना भी ओल्ड एज बता रहे हैं। और नन, तो जब येलो पीली पत्तियाँ या फिर कुछ नहीं, नन मतलब नो लीव्स या फिर कोई पत्ती नहीं, और फ्यू या फिर कुछ, बस कुछ ही, फ्यू मतलब बस कुछ, डू हैंग, हैंग मतलब आपका मतलब वहाँ से
हैंग करते रहना, मतलब लटके रहना, ठीक है। अपॉन दोज बोज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, अपॉन दोज बो, यहाँ बोज का मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है, जो टहनियाँ हम लोग बोलते हैं पेड़ की टहनियाँ, ब्रांचेस। तो अपॉन दोज बोज विच शेक, शेक मतलब हिलना, अगेंस्ट द कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, ओके। तो पूरा का मतलब क्या हो, अच्छा चौथा लैंग्वेज मतलब बताते हैं, फिर पूरा का समाप्त कर देंगे। बेयर रुइंड कॉयर्स, ओके। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, कुछ कोई चीज़ से कवर अप नहीं हुआ है, ढका नहीं हुआ है, ठीक है। बेयर रुइंड, ये देखिए रुइंड में भी RUIN के बाद देखो अपोस्ट्रॉफी है, ये अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या है, इसको एब्रीविएटेड किया गया है, शॉर्ट किया गया है, क्यों, क्योंकि पोएम का मीटर को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी जो बड़ा वर्ड्स होते हैं उसको पोएट्स खास करके सोनेटियर्स शॉर्ट करके यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि पोएट का सॉरी पोएम का जो मीटर है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रुइंड का मतलब यहाँ एक्चुअली अपोस्ट्रॉफी की जगह को ई आता, RUIND, रुइंड। रुइंड का मतलब क्या होता है, रुइंड का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉयड या फिर स्पॉइल्ड, ठीक है, बिगड़ जाना, नष्ट हो जाना। और कॉयर्स, CHOIR, स्क्वायर्स, कॉयर्स का मतलब क्या होता है, कॉयर्स का मतलब होता है कोरस या फिर अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है। बहुत कोई लोग जो बहुत कोई सिंगर्स जब एक ग्रुप में आके एक साथ गाते हैं उसको कॉयर्स भी बोला जाता है, कोरस भी बोला जाता, ठीक है। तो बेयर, अच्छा ये जो कॉयर्स हैं ये थोड़ा आपको एक रिलीजियस एंगल में भी पोएट इंडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि चर्च में भी ये कॉयर्स बहुत फेमस होते थे, चर्च कॉयर्स, ठीक है। चर्च में भी एक जगह अलग से रखा जाता था जिसमें सारे लोग मिल करके वहाँ कुछ प्रेयर्स वेयर्स गाते थे, ठीक है, या कुछ हिम जो होता था रिलीजियस हिम्स वो गाते थे। तो कॉयर्स, तो बेयर रुइंड कॉयर्स मतलब जो कॉयर्स है जहाँ पे सब लोग मिल करके बैठ के आकर के गाते थे, वो आज अनकवर्ड है, वो आज मतलब स्पॉइल्ड है, उस वो फाँका है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, कोई आज वहाँ बैठ नहीं रहा, कोई आज वहाँ गा नहीं रहा, वहाँ पे कुछ आज संगीत का धुन नहीं सुनाई दे रहा, दैट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्योंकि अगर कॉयर्स का जो इफेक्ट होगा, जो म्यूज़िक होगा, वो म्यूज़िक ही अगर नहीं रहेगा, म्यूजिशियंस ही अगर नहीं रहेंगे जो जगह में आकर के बैठ के सब लोग गाते थे, तो फिर वो जगह का मतलब ही क्या बनता है ना। तो इसीलिए ये जो रुइंड वर्ड है ये यहाँ पे यूज़ किया गया है, वेयर लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग, जहाँ पे वेयर लेट, यहाँ पे लेट का मतलब रिसेंटली, ठीक है, जहाँ पे बस कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही समय पहले क्या होता था, स्वीट बर्ड्स सैंग, मतलब जो बर्ड्स हैं, जो पंछियाँ हैं, वो अपनी सुरीली आवाज़ में गाती थी। लेकिन वही सेम जगह जहाँ पे कोई दिन, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इसलिए लेट लिखा गया, बहुत दिन पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे सुरीली पंछियाँ गाती थी, अपना गुनगुनाती थी, लेकिन आज वहाँ पे क्या है, आज वो बेर है, आज वो रुइंड है, आज वहाँ कोई नहीं है, ठीक है। तो पूरा फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम लोग समअप करें, थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, तो क्या बोला गया है यहाँ कि अगर तुम मेरे में देखोगे, यहाँ तुम मतलब पोइट का बिलावेट, वो फेयर यूथ, उसको पोइट बोल रहे, शेक्सपियर बोल रहे कि तुम अगर हम में देखोगे तो तुमको मेरा में क्या दिखेगा, साल का वो समय दिखेगा जब पीली पत्तियाँ या फिर कुछ पत्तियाँ या फिर कोई पत्तियाँ लटकती नहीं है ब्रांच में से, टहनियों में से, ठीक है। और वो टहनियाँ किस में शेक करती हैं, ठंडा में वो कांपती हैं, ठीक है। और जो चर्च क्वायर्स होते हैं जहाँ पे कोई दिन मतलब बहुत कोई आ करके गाता था अपनी सुरीली धुनों से, बहुत सिंगर्स आके गाते थे, आज वो क्या है, आज वो खाली है, आज वहाँ कोई नहीं आ रहा, ठीक है। जहाँ पे स्वीट बर्ड्स भी आके बैठते थे, वो लोग भी गाते थे, वो भी आज नहीं बैठ रहे। तो आप लोग क्या थोड़ा गेस कर सकते हैं कि यह कौन सा टाइम का बोला जा रहा है, कि साल का कौन सा समय। यस, यू हैव गेस्ट राइट, यहाँ ऑटम का बात हो रहा है, या सीजन ऑफ फॉल, ठीक है, खास करके लेट ऑटम का बारे, जब मतलब टहनियों में से पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, है ना, पतझड़ का मौसम जो हम लोग बोलते हैं, जो सारा लीव्स जो है वो फॉल करने लगती है, और ठंडा धीरे 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 आने लगता है, और चारों तरफ जो है थोड़ा सा लोनलीनेस जैसा छा जाता है। जैसे स्प्रिंग को हम लोग जैसे मानते हैं कि बहुत ये सीज़न ऑफ कलर्स है, सीज़न ऑफ एनरिचमेंट है, सारा एकदम चारों तरफ बाहर आ जाता है, चारों तरफ ब्यूटी आ जाता है, नेचर एकदम सज धज उठता है, ठीक उसका अपोजिट हम लोग विंटर को बोल सकते हैं, और विंटर से भी पहले थोड़ा लेट ऑटम को खास करके बोल सकते हैं, जब सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा से
विंटर में भी तो विंटर जैसे आपका क्या है, विंटर है टोटल लॉस, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन लेट ऑटम वो क्या, वो पूरा प्रोसेस दिखा रहा कि कुछ है, लेकिन वो भी धीरे धीरे, जितना कुछ बचा हुआ है वो भी धीरे 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 झड़ रहा। जैसे येलो लीव्स, जैसे विंटर में आपको क्या दिखेगा, नो लीव्स, पूरा बेयर, लेकिन कुछ नहीं दिखना, एकदम कुछ नहीं दिखना, और वो प्रोसेस दिखाना कि हाँ कुछ है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो और ज़्यादा दर्दनाक है, वो और ज़्यादा पेनफुल है। तो यहाँ पे इसलिए लेट ऑटम को चुना गया है रादर देन विंटर, ठीक है, कि जो पत्तियाँ जो है वो कोई ज़माने में जो हरी भरी हुई करती थी, ब्यूटीफुल हुआ करता था वो, लेकिन अब क्या है, येलो है, एजिंग कर रहा, धीरे धीरे वो भी झड़ रहा है एक दो करके, और धीरे धीरे वो पूरा झड़ जाएगा। और जो कभी जो जगह में स्वीट बर्ड्स आते थे, सिंगर्स आके गाते थे चर्च क्वायर में, आज वो जगह पूरा खाली है, कोई नहीं आ रहा, कोई पक्षी भी नहीं आ रही, कोई चहचहाहट भी नहीं हो रहा, कोई गाना भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नो म्यूजिक इज देयर। ओके, तो ये हुआ हम लोग का पहला स्टांसा। ओके, इसमें कौन चीज़ का मेटाफर यूज़ किया गया है, ऑटम का मेटाफर यूज़ किया गया है, लेट ऑटम का मेटाफर, कि यहाँ नेचर, आप लोगों को यहाँ नेचर और ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पैरेललिज्म दिखेगा, ठीक है, दोनों में पैरेलली को कंपैरिजन किया गया है, कि जैसे नेचर में भी टाइम टू टाइम चेंजेस आता रहता है, नेचर भी जैसे एक टाइम बहुत एनरिच्ड हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 करके उसका भी डिक्लाइन आता है, उसका भी ब्यूटी में कमी आता है, और झड़ जाता है धीरे धीरे, वैसे ही इंसान भी अपना पीक पॉइंट में, अपना प्राइम टाइम पहुंचने के बाद उसका भी धीरे धीरे ब्यूटी क्या होता है, इंसान का प्राइम टाइम होता है यूथ, उसके बाद उसका भी ब्यूटी धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। तो यहाँ ये नेचुरल जो इमेज रही है या जो मेटाफर है ऑटम, उसका साथ लिंक करके पोएट अपने आप को बताया है, जैसे पोएट की ज़िंदगी में भी जैसे ऑटम आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में। इन मी दाउ सीस्ट द ट्वाइलाइट ऑफ सच डे, इन मी, देखिए फिर से आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हर स्टैंजा के शुरुआत में, फर्स्ट स्टैंजा के शुरुआत में भी ये था, सेकंड स्टैंजा के शुरुआत में भी यही है, कि पोएट बार बार अपील कर रहे हैं उनका बिलवेड के प्रति कि तुम अगर मेरे तरफ देखोगे तो तुमको ये दिखेगा, हाँ ये दिखेगा, वो दिखेगा। जैसे पहला स्टैंजा में वो किस चीज़ के बारे में बोल रहे थे, येलो लीव्स के बारे, ऑटम के बारे में बोल रहे थे, अब वो क्या बोल रहे हैं, ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट क्या होता है, ट्वाइलाइट हम लोग जनरली उस टाइम को बोलते हैं, ये एक जंक्शन टाइम होता है, ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है दिन और रात। और भी अगर हम लोग और थोड़ा स्पेसिफिकली बोले तो जब सूरज ढल रहा होता है, ठीक है, सूरज ढल जाने के बाद नहीं, लेकिन सूरज जब ढल रहा है, जब वेस्ट होराइजन में सूरज ढल रहा है, तब क्या होता है, पूरा अंधेरा तो नहीं होता, एकदम चारों तरफ थोड़ा रेड रेड रेडिश लाइट रहता है, थोड़ा एकदम पूरा ब्राइट दोपहर वाला या सुबह वाला, ब्राइट उजाला भी नहीं रहता, थोड़ा सा धीमा हो जाता है, लेकिन पूरा अंधेरा भी नहीं छाता, जैसे पूरा सूरज डूब जाता है, उसके बाद धीरे 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 अंधेरा पूरा छाता है, लेकिन वो जो टाइम, वो जो सूरज डूब रहा है, वो जो टाइम, उसमें पूरा अंधेरा भी नहीं है, पूरा उजाला भी नहीं है, दैट टाइम इज कॉल्ड ट्वाइलाइट। ठीक है, उस समय को बोला जाता है ट्वाइलाइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन मी दाउ सीस्ट, अच्छा सीस्ट का मतलब होता है सी, एस डबल ई सी, देखना, जिसके हम बोले थे कि एस टी या टी एच को अगर आप लोग हटा देंगे तो मॉडर्न आपको मीनिंग मिल जाएगा। दाव का मतलब यू, तो मेरे अंदर तुम क्या देखोगे, ट्वाइलाइट, वो दिन का वो समय देखोगे जहाँ पे सूरज ढल रहा, मतलब दिन अब और उजाला नहीं रहा, रोशनी नहीं रहा, अब धीरे धीरे वो अंधेरे के तरफ बढ़ रहा है। ये आप लोग देखिएगा कि फिर से वही जो नेचुरल जो पैरेललिज्म था नेचर का साथ ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट करके दिखाने का, वो यहाँ भी चल रहा। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, एज आफ्टर सनसेट फेडेथ इन द वेस्ट, मतलब सनसेट के बाद, सूर्यास्त होने के बाद, फेडेथ, फेडेथ का मतलब होता है फेड हो जाना, एफ ए डी ई टी एच, टी एच हटा दीजिए, देखिए मेन मीनिंग निकल गया, फेड, फेड मतलब क्या, कि धीरे धीरे हल्का होना, ठीक है, टू बिकम पेल, हल्का होना, कलरलेस हो जाना, उसको बोलता है फेड होना। तो एज आफ्टर सनसेट फेडेथ इन द वेस्ट, तो सूर्यास्त के बाद जब वेस्ट में होराइजन में सन धीरे धीरे ढल जाता है, तो जैसे उसका जो दिन का उजाला होता है वो धीरे धीरे जैसे कम होने लगता है, धीमा होने लगता है, वैसे ही, विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डॉथ टेक अवे, डॉथ का मतलब हो रहा है यहाँ डज, ठीक है, डी ओ टी एच डॉथ, ये भी ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब है डज, डी ओ एस डज,
ठीक है, तो विच बाय एंड बाय, बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली स्लोली, ओके, तो विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डॉथ टेक अवे, जो कि धीरे धीरे ये जो अंधेरी रात है, डार्क नाइट है, ब्लैक नाइट है, वो टेक अवे, टेक अवे की मतलब वो छीन ले रही है, वो ग्रैस्प कर ले रही है, वो ग्रैब कर ले रही है, ठीक है, किसको ग्रैब कर रही है, किसको छीन रहे हैं, ये जो उजाला है, जो रोशनी है, जो ट्वाइलाइट के टाइम में धीरे धीरे ऑलरेडी कम हो रहा, जितना भी बचा कुचा है उसको भी कम होते होते कौन अपने गिरफ्त में ले रहा है, रोशनी को कौन ख़त्म कर दे रहा है, रोशनी के ऊपर कौन ओवर पावर हो रहा, नाइट, ब्लैक नाइट, अंधेरा, ओके, ठीक जैसे पोएट का खुद का जीवन, वहाँ भी जो यूथ था वो ढल रहा, यूथ से मिडिल एज हुआ है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, तो यूथ का टाइम में पोएट का जो भी ब्यूटी था, जो भी लश्चर था, जो भी एक्सेलेंट फीचर्स थे, सारा धीरे धीरे क्या हो रहा, सिर्फ शारीरिक नहीं, यहाँ मानसिक या इमोशनल का भी बात किया जा रहा, कि जैसे कोई आदमी या इंसान जैसे यूथ में जैसे फिजिकली भी स्ट्रांग रहता है, वैसे मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहता है, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे यूथ को छोड़ करके मिडिल एज का तरफ जाएगा या ओल्ड एज का तरफ जाएगा, उसका हर चीज़ में गिराव आएगा, उसका काम करने का ताकत में भी गिराव आएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज में भी गिराव आएगा, उसका कॉन्फिडेंस में भी गिराव आएगा, पूरा एक तरह से हम लोग बोले कि एक टोटल पर्सनैलिटी में ही थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होता है जैसे ही हम लोग का एज बढ़ता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्वाइलाइट का भी तुलना इसी हिसाब से किया गया है कि पोएट का एज बढ़ने के साथ साथ उसका उनका ब्यूटी, उनका यूथ, उनका इफेक्ट या एटीट्यूड या कैरेक्टर जो भी बोला जाए, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन आ रहा है। अब वो किस तरफ बढ़ रहा है, अल्टीमेट एंड का तरफ, यानी डेथ का तरफ, ठीक है, डेथ का मेंशन भी थोड़ा देर बाद हम लोग को मिलेगा पोएम में। अच्छा, इसी में देखिए नेक्स्ट लाइन में है, डेथ्स सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, ये वाला लाइन बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, खास करके जो एक्सप्रेशन दिया हो ना, डेथ्स सेकेंड सेल्फ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, डेथ्स सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, तो जो मृत्यु है, डेथ है, उसका जो दूसरा स्वरूप, ठीक है, उसका दूसरा एक चेहरा, दूसरा रूप कौन है, ये रात, ये अंधेरी रात, इसको क्या बोला गया है, डेथ का दूसरा स्वरूप, क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि रात में जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, वी स्लीप, राइट, तो आँख बंद करके जैसे हम लोग सोते हैं, जैसे दिन का सारा कुछ एक्टिविटी को हम लोग रेस्ट देते हैं, सारा काम हम छोड़ करके हम लोग सोते हैं, ठीक वैसे ही डेथ क्या करता है, डेथ को भी हम लोग एक परमानेंट स्लीप बोल सकते हैं, है ना, मतलब इटर्नल स्लीप, डेथ कैन बी कॉल्ड एन इटर्नल स्लीप, तो ठीक जैसे डेथ भी हम लोग का पूरा ज़िंदगी भर का जो एक्टिविटी है उसको पॉज कर देता है, उसको रोक देता है और हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है, ठीक वैसे ही जो रात होती है वो भी क्या करती है, वो भी आदमी का दिन भर का जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देती है और उसको कुछ देर के लिए सुला देती है आँख बंद करके, इसीलिए डेथ को हम लोग अगर परमानेंट के साथ तुलना करें तो नाइट कैन बी कॉल्ड ए टेम्पररी वर्जन ऑफ डेथ, ओके, इसलिए बोला गया है डेथ का सेकेंड सेल्फ, डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, जो सबको क्या कहता है, सील्स अप, सील अप कर देना मतलब हर चीज़ को मतलब एक तरीके से बंद कर देना, एक तरीके से रोक देना, ठीक है, किस चीज़ में, रेस्ट में, जितना भी एक्शन हो रहा, जितना भी एक्टिविटी हो रहा, हर चीज़ को पॉज कर देना, हर चीज़ को स्टॉल कर देना, हर चीज़ को फ्रीज कर देना, किस में, साइलेंस में, नॉन एक्टिविटी में, ओके, और रेस्ट में। तो इस सेकेंड स्टैंजा को अगर हम लोग समअप करें तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें पोएट को ट्वाइलाइट का इमेजरी या ट्वाइलाइट का मेटाफर यूज़ किए हैं, कि जैसे ट्वाइलाइट का दिन में तुम मेरे अंदर क्या देखोगे, ट्वाइलाइट देखोगे, जो कि क्या हो रहा है, मतलब दिन का वो ट्वाइलाइट का समय देखोगे जिसमें सन धीरे धीरे वेस्टर्न होराइजन में डूब रहा, ठीक है, और उसका रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा, और जो कि धीरे धीरे कौन ग्रास्प कर रहा, कुछ रोशनी कम हो रहा उसके जगह अंधेरे को लेके कौन ग्रास्प कर रहा, नाइट ग्रास्प कर रहा, डार्क नाइट, अंधेरी रात उसको ग्रास्प कर रहा, और अंधेरी नाइट को किसके साथ पोएट ने तुलना किया है, डेथ के साथ, डेथ सेकेंड सेल, जो हर चीज़ को स्टॉल कर देता, रोक देता, ठीक है, ये है सेकेंड हम लोग का स्टैंजा। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा में, फिर से देखिए वही सेम रिपीटेशन,
इन मी दाउ सीज़्ड द ग्लोइंग ऑफ सच फायर। ठीक है, मतलब वही, मतलब मेरे अंदर तुम देखोगे ग्लोइंग। ग्लोइंग का मतलब है कि देखो ग्लो होना, एको शाइन होना, चमक होना। किस चीज़ का चमक? ऑफ सच फायर, वैसा फायर का चमक, वैसा आग का चमक। कैसा आग का चमक? दैट ऑन द एशेस ऑफ हिस यूथ डॉथ लाइट। डॉथ का मतलब डज। ठीक है, तो दैट ऑन द एशेस ऑफ हिज यूथ डॉथ लाइट। एशेस, ऐश का मतलब क्या होता है? वो जो मतलब कोई चीज़ बर्न होने के बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाता है, उसी को हम लोग ऐश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूथ को यहाँ पे बोला गया है, मतलब यूथ ही खुद बर्न अप हो करके उसके बाद उसका लेफ्ट ओवर बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर पोएट खुद का लाइफ का साथ नेचर को इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे कोई फायर, खास करके डाइंग फायर, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक लाइन में डाइंग फायर। जैसे कोई फायर जैसे जब बुझने को आती है, ठीक है, मान लीजिए कोई फायर, आप लोग कोई वुड हो या फिर कोई दूसरा पत्ता वत्ता, सूखा पत्ती भी हो, कोई चीज़ में भी मान लीजिए आग जलाएं, अब धीरे 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 वो आग जब धीरे धीरे करके बुझने का टाइम आता है, तब देखते हैं ना कि जो चीज़ में वो जल रहा था, ठीक है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो और कोई फ्यूल हो, जिस चीज़ में वो जल रहा था उसी में धीरे धीरे धीरे, ये आप लोग और रिलेट कर सकते हैं अगर आप लोग एक मैच स्टिक के बारे सोचें। जैसे मान लीजिए एक मैच स्टिक को हम लोग जला करके ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, या कैंडल या मैच स्टिक जो भी हो, तो मैच स्टिक पहले तो बहुत जलेगा, फिर जब वो थोड़ा देर बाद, थोड़ा 2-3 सेकंड बाद जब वो मतलब बुझने को आएगा, तब क्या होगा कि जो मैच स्टिक के ऊपर, जो बारूद के ऊपर वो पहले बहुत मतलब फ्लेम लेके जल रहा था, उसी के ऊपर धीरे 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 आके वो उसका फ्लेम ख़त्म हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप लोग यूथ को भी सोचिए, पोएट यहाँ अपना लाइफ को भी इसी हिसाब से बोल रहे कि एक दिन जिस बॉडी में, पोएट का बॉडी, एक दिन जिस बॉडी में, जिस शरीर में पोएट का जो ब्यूटी था, पोएट का जो स्ट्रेंथ था, पोएट का जो यूथ था, वो एकदम अपना हाईएस्ट फ्लेम लेकर के, अपना हाईएस्ट स्पिरिट लेकर के जिंदा था, एक्टिव था, उसी बॉडी में आज वो यूथ का, वो ब्यूटी का, वो वाइब्रेंस का, ठीक है, वो जो लिवलीनेस का, धीरे 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 लेकिन वो ख़त्म होते आ रहा है। कैसे? एक डाइंग फायर के जैसे, एक बुझता हुआ आग के जैसे। ओके, एज द, फिर थर्ड लाइन देखिए, एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। डेथ बेड, जैसे कि यहाँ डेथ बेड शब्द के प्रयोग से ही हम लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पोएट एकदम क्लियरली, अब और कोई अलग, मतलब अब तक जैसे कि वो नेचर के साथ ह्यूमन लाइफ का, अपना लाइफ का इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ अब एकदम क्लियर साफ साफ शब्द में उन्होंने डेथ बेड यूज कर दिया। मतलब क्या कि हिज डेथ इज इमिनेंट, मतलब पोएट का जो मृत्यु है, पोएट का जो जीवन का अंत है, वो अब नज़दीक आ रहा है। पोएट का ज़िंदगी में अब और ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्लियरली डेथ बेड का मेंशन कर दिया। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। अच्छा, वेयर ऑन का मतलब होता है ऑन वेयर, ठीक है। ऐसे आप लोग और भी शब्द देखिएगा, जैसे वेयर फ्रॉम रहता है, उसका मतलब फ्रॉम वेयर, ठीक है, इस तरह का। तो जहाँ पर भी मतलब वो डेथ बेड में, जहाँ पर पे इट मस्ट एक्सपायर, इसको ख़त्म होना है। एक्सपायर होने का मतलब एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। अच्छा, इट मतलब क्या? इट मतलब यहाँ पे वो डाइंग फायर का बोला जा रहा है कि उसी डेथ बेड में, मतलब जिस पे, जो जगह में, जो फ्यूल के ऊपर, चाहे वो कोल हो, चाहे वो वुड हो, जिसके ऊपर वो एक दिन अपना हाईएस्ट फ्लेम लेके, हाईएस्ट एनर्जी लेके जला था, वहीं सेम चीज़ के ऊपर, वहीं उसका डेथ बेड बन जाएगा, क्योंकि उसी में, सेम चीज़ में आकर के वो धीरे धीरे अपना पावर ख़त्म करने के बाद, अपना जितना एनर्जी था उसको एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जॉस्ट करने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद, वहीं सेम जगह में आके वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक। जैसे पोएट का बॉडी, उसी में एक टाइम यूथ था, लेकिन वहीं बॉडी में आज ओल्ड एज का निशानी है, जो कि धीरे धीरे उनको डेथ का तरफ आगे लेके जा रही, आगे लेके बढ़ रही। कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाई, ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आखिरी लाइन है, कंज्यूम्ड विथ वट, कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाई। यहाँ भी देखिए, कंज्यूम्ड और नरिश्ड दोनों वर्ड में आप देखिए, फिर से वो एपोस्ट्रोफी
का प्रयोग किया गया है, मतलब वही सेम चीज़ की अब थोड़ा सा ब्रिज किया गया, थोड़ा सा संक्षेप करके इसको मीटर को मैनेज करने का कोशिश किया गया शॉर्ट फॉर्म में। तो कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता, कंज्यूम्ड का मतलब फिनिश्ड या ईटन अप, मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है, पूरा हो जाना, ख़त्म कर देना, कंज्यूम्ड विथ दैट। तो ये पूरा होने वाला है या ख़त्म होने वाला है किस चीज़ से, विच इट वॉज नरिश्ड बाय, जिस चीज़ से इसको एक टाइम पोषण मिला था। नरिश्ड का मतलब होता है एनरिच्ड, ठीक है, पोषण पाना, ठीक है। तो जिस जो सेम चीज़ से उसको एक दिन पोषण मिला था, जिस चीज़ का दम पे, जिस चीज़ का बलबूते में वो एक दिन इतना राइज किया था, उसी सेम चीज़ पे आकर के उसको आज ख़त्म होना है, उसको आज फिनिश हो जाना है, ठीक है। इसको चलिए अब इसको पूरा थर्ड सेंटेंस को हम लोग के बराबर लास्ट टाइम बस समाप्त कर देते हैं कि मेरे अंदर तुम क्या देखोगे, मेरे अंदर तुम वो आग का चमक देखोगे, वो आग का रोशनी देखोगे जो कि अब अंगारों में, ठीक है, ऐशेस मतलब अंगारों में आके ख़त्म होने वाला है, ठीक है, जो कि अपना जो यूथ का टाइम का उसका जो प्राइम मतलब चमक था या प्राइम उसका जो फ्लेम्स था, वहीं सेम वुड में या वहीं सेम फ्यूल में आकर के जिसके बलबूते में वो एक दिन बहुत मतलब अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके चला था, वहीं सेम जगह उसका आज डेथ बेड बन गया और वहीं आज वहाँ आके ख़त्म होगा, जिस चीज़ से उसका इतना नरिशमेंट मिला था, जिस वुड से उसको इतना नरिशमेंट मिला था जलने का, फायर बनने का, वहीं वुड में आज आकर के उसका धीरे धीरे ख़त्म होके वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो यह थर्ड स्टैंजा में हम लोग कौन सा इमेजरी पाए या कौन सा मेटाफर पाए, डाइंग फायर का, जिसके साथ पोएट अपना तुलना किया। अब ये पूरा तीनों स्टैंजा में हम लोग एक चीज़ रिपीटेडली ये देखें कि पोएट बार 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 क्या कर रहे, अपना जो फिजिकल डिक्लाइन का बात है, अपना जो ब्यूटी का बात है, जो यूथ का बात है, जो कि उनका ख़त्म होते जा रहा, ठीक है, जो कि और बचा नहीं है, और ब्यूटी यूथ का तो छोड़ ही दीजिए, उनका लाइफ भी अब ज़्यादा बचा नहीं है, अब वो एकदम अपना लाइफ का अंतिम सीमा रेखा पर पहुँच चुके हैं। तो ये पोएट बार बार उनको समझाना चाहते हैं, किनको समझाना चाहते हैं, पोएट का जो लवर है, पोएट का जो प्यार मतलब जो फेयर यूथ जिसको हम बोल रहे हैं, वो फेयर यूथ को वो बार बार यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं। जनरली हम थोड़ा सा अपोजिट देखते हैं कि जनरली लव सोनेट्स में क्या होता है कि आइडियलाइज किया जाता है, ठीक है, जो भी बिलवड है या मतलब चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, उसको बहुत ही आइडियलाइज किया जाता है उसका ब्यूटी का थ्रू, उसका यूथ का थ्रू, ठीक है, कि देखो जैसे ये वर्ल्ड में इसका जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं, इसका जैसा यूथफुल कोई नहीं, सब चीज़ में यह एक्सपर्ट है, सुपरलेटिव है, बेस्ट है। लेकिन यहाँ शेक्सपियर यहाँ वो रियलिटी का परिचय दे रहे हैं, यहाँ वो आइडियलिज्म को लेकर प्ले नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो रियलिज्म का बात कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी कोई आइडियलाइज चाहे क्यों ना करे, एजिंग तो सबका होना है, चाहे जो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की भी हो, उसको भी तो एक दिन एजिंग होना है, उसको भी तो एक दिन बूढ़ा होना है, एक दिन उसका भी तो जो यूथ है या ब्यूटी है वो भी तो डिक्लाइन करेगा। तो यहीं पे आज वो डिक्लाइन का स्तर पे आकर पोएट खुद को खड़ा किए हैं और अपना थ्रू एक यूनिवर्सल डिक्लाइन ऑफ ब्यूटी एंड यूथ को वो प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आज बिलवड हैं और जो लवर हैं, वो दोनों का एक ना एक दिन, अगर दोनों सेम एज का है तो दोनों का साथ साथ ही होगा, और अगर दोनों का सेम एज नहीं है, जैसे कि ये हम ये पोएट का केस नहीं समझ पा रहे कि वो बार बार जो अपने बिलवड को इशारा कर रहे हैं वो उनसे काफ़ी कम उम्र के हैं, क्यों, क्योंकि उनका पोएट का खुद का डिक्लाइन आ गया है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनको बार बार जीवन का अंत में आ गए हैं, अंत में आ गए हैं, लेकिन बिलवड का नहीं हुआ है, इसलिए खास करके उसी चीज़ को बार बार वो समझाने का कोशिश करें कि अब हम और ज़्यादा दिन नहीं हैं, अब तुम जो हमको प्यार करते थे, जिस चीज़ के लिए भी जो यूथ में जो चीज़ हम लोग नरिश करते थे प्यार में, हम लोग का यूथ था, मेरा यूथ था, मेरा ब्यूटी था, आज लेकिन हम और वो तुमको दे नहीं सकेंगे, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी हेल्पलेस। तो अपना ये जो हेल्पलेसनेस है, अपना ये जो दुख है, दर्द है, नहीं दे पाएगा, नहीं ब्यूटी या यूथ को उनके साथ शेयर कर पाएगा, तो ये बार बार पोएट का ज़बानी से ये सामने निकल के आ रहा है। अब जो आखिरी दो क्लिंचिंग कपलेट है, कंक्लूडिंग कपलेट है, उसमें देखिए आप लोग को फिर एक टर्न ऑफ थॉट या वोल्टा मिलेगा, कि
ठीक है, वोल्टा के बारे भी हम 65 सोनेट का डिस्क्रिप्शन में जब उसको एक्सप्लेनेशन किए थे तब बताए थे, आप लोग चाहे तो उसमें जा करके एक बार चेकआउट कर ले सकेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। तो वोल्टा, फिर भी हमें बड़े एक लाइन में बता दें, वोल्टा होता है टर्न ऑफ थॉट। ठीक है, जब पोइट एक डिस्क्रिप्ट मतलब कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो उसको समझाते समझाते उसका डिस्क्रिप्शन करते करते जब थॉट को चेंज करके उसका सोल्यूशन की तरफ मूव आउट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको वोल्टा बोला जाता है। तो जनरली शेक्सपियरियन सोनेट्स में देखा जाता है कि जो वोल्टा होता है वो आखिरी जो क्लिंचिंग कपलेट या कंक्लूडिंग कपलेट है उसमें ही आता है। तो इस सोनेट में भी, ये सोनेट नंबर 73 का केस में भी, लेकिन ये सेम चीज़ हम लोग को देखने मिला है कि तीन पहले जो तीन सोनेट्स है, सॉरी पहले जो तीन स्टैंजा है उसमें पूरा ये जो प्रॉब्लम है, क्या इस सोनेट का प्रॉब्लम क्या है कि द एजिंग ऑफ पोइट, द पोइट कम स्पीकर, उनका जो एज हो रहा है, वो जब अपने जीवन का अंत तक पहुंच रहे हैं, जो यूथ और ब्यूटी डिक्लाइन कर रहा है, ये है प्रॉब्लम। यहाँ भी फिर से वही टाइम वर्सेस ब्यूटी आ गया। ठीक है ना, शेक्सपियर सोनेट का बहुत फेवरेट टॉपिक ये है ही कि डेथ और टाइम वर्सेस ब्यूटी एंड यूथ। तो अब देखते हैं आखिरी स्टैंजा, आखिरी जो क्लिंचिंग अपडेट है, दिस दाउ परसीव्स। ठीक है, दाउ मतलब यू और परसीव्स का मतलब है, एस टी हटा दीजिए, परसीव। परसीव का मतलब क्या, समझना, रियलाइज बोल सकते हैं हम लोग, या कंप्रिहेंड, अंडरस्टैंड। ठीक है, समझना, कोई चीज़ को फील करना, समझना। तो दिस दाउ परसीव मतलब दिस यू परसीव, अब ये तुम समझे हो, या तुम मतलब वही बिलवड फेयर यूथ, तो तुम क्या समझे हो कि हम एजिंग कर रहे हैं, मेरा मैं और प्राइम नहीं बचा, यूथ नहीं बचा, ब्यूटी नहीं बचा, आई एम एन ओल्ड पर्सन नाउ एंड आई एम गोइंग टू डाई, हम अपने मृत्यु की तरफ, अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहे, ये तुम समझ चुके हो, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो कि तुम्हारा प्यार जो है, विच इज़ योर लव, किसके लिए तुम्हारा प्यार, मेरे लिए तुम्हारा प्यार, उसको लेकिन कम नहीं कर रहा, उसको क्या कर रहा, और ज़्यादा ताकतवर बना रहा। हम जो एजिंग हो रहे हैं ये बात, लेकिन तुमको दुखी नहीं कर रहा इसको लेकर के, लेकिन तुम चिंतित नहीं हो इसको लेकर, तुम अपना प्यार को कम नहीं कर दे रहे, अपना प्यार को और बढ़ा दे रहे। यही टर्न ऑफ थॉट है, यहीं पे शिफ्ट हो रहा मूड का। अब तक जो मूड था बहुत पेसिमिस्टिक मूड था, पेसिमिस्टिक मतलब, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है कि बहुत हताशाजनक। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ब्यूटी था डिक्लाइन हो गया, यूथ था डिक्लाइन हो गया, मेरा जो लवर था उसको हम कोई भी तरीके से प्लीज़ नहीं कर पा रहे। हालांकि ये सिर्फ पोइट अब तक अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, पोइट अपना बिलवड का तरफ से कुछ सुने नहीं थे या कुछ जाने नहीं थे कि उनका क्या ओपिनियन है, वो अपना हिसाब से सोच करके ही दे रहे थे कि मेरा तो यूथ में ब्यूटी में इतना कुछ मेरे पास एक टाइम पर था जो अभी नहीं है, अभी हम इंटरेस्टिंग नहीं हैं, अभी मेरा में ना पावर है ना कुछ है, तो अब क्या ही मतलब हम दे सकेंगे, या अब हम जो मेरा लवर था जो हमको पहले इतना प्यार करता, क्या अभी भी प्यार करेगा, अब तो हम बूढ़े हो गए। ये एक जनरल कंसेप्शन उनका दिमाग में था, पोइट का दिमाग में, लेकिन आखिरकार हम लोग देख रहे हैं कि वो लेकिन पलट चुका है, वो जो आइडिया था वो यहाँ पे अपोज्ड हो चुका है। प्यार घटने के अलावा ये और भी ताकतवर हो गया होगा और भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, आखिरी लाइन में देखते हैं, To love that will which thou must leave or law. To love that will, मतलब उसको अच्छे से प्यार करना, which जो कि thou मतलब you must leave, leave मतलब छोड़ जाना, और ERE का मतलब होता है before, ठीक है, पहले, ago या before, long मतलब ज़्यादा दिन से पहले, मतलब to love that will which thou must leave before law, उसको अच्छे से प्यार कर लेने जिसको कि तुम बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाले हो। क्यों बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाले हो, क्योंकि पोइट बार बार ये अपना इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनका क्या हुआ है, उनका एजिंग हो रहा, वो अपना डेथ की तरफ आगे बढ़े, खास करके अपना थर्ड स्टैंजा में तो वो एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, डाइंग फायर का मेटाफर के थ्रू डेथ बेड क्लियरली उन्होंने शब्द ही मेंशन कर दिया कि उनका पास ज़िंदगी में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब वो क्या करेंगे, अब वो धीरे धीरे मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या ज़्यादा टाइम उनके पास बचा नहीं है, तो इसलिए बिलवड का मन हो चाहे नहीं हो, पोइट को तो
उनसे अलविदा लेना ही पड़ेगा। लाइफ हैज़ टू एंड वन डे, सम डे और द अदर, राइट? टाइम से तो कोई ऐसे फिजिकली तो कोई नहीं जीत सकता है ना। टाइम और डेथ तो कोई कितना भी फेमस हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, टाइम या डेथ सबको तो एक न एक दिन ख़त्म करेगा ही। तो वही सेम कंसेप्शन यहाँ भी है कि पोइट को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसी वजह से इसका प्यार, लेकिन जो फेयर यूथ हैं उनका पोइट की तरफ जो प्यार है, जो ट्रू लव है, वो लेकिन कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। कि जिसको हम प्यार करते हैं वो मेरे से अब अलविदा लेने वाला है, वो और मेरे पास नहीं रहेगा। ये सोच के ही वो, ये सोच के उनका प्यार और बढ़ गया कि कम से कम जितना दिन मेरे पास है उतना दिन तो हम जी भर के प्यार कर लें, इन दैट सेंस। ठीक है, तो ये एक ट्रू लव का इंडिकेशन यहाँ पे हुआ है। अब तक जो तीन स्टैंड हमें हम लोग देख रहे थे उससे हम लोग एक फॉल्स लव के बारे थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल रहा था, क्योंकि जो प्यार शारीरिक सौंदर्य के हिसाब से बेसिस में हो वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लव हम लोग उसको बोल सकते हैं ना, जिसका साथ सोल का टच ना हो, जिसका साथ हार्ट का टच ना हो, वो प्यार तो ट्रू लव नहीं कहला सकता। लेकिन शेक्सपियर अपना पोइट, अपना पोएम का थ्रू अपना जो फेयर यूथ है उनका लव जो ट्रू लव है, इस हिसाब से उसको, उनको आइडियलाइज किया अपना फेयर यूथ का जो सच्चा प्यार है उनका खुद का तरफ, उसको आइडियलाइज किया है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा अलग क्यों बन जाता, क्योंकि इसमें जनरल ट्रेडिशनली जैसे पूरा मतलब किसी का भी ब्यूटी को, किसी का भी मतलब यूथ को सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ उसका जगह ओल्ड एज को सेलिब्रेट किया गया है। सेलिब्रेट तो नहीं कह सकते इन दैट सेंस, बट ओल्ड एज को एक तरह से डिपिक्ट किया गया है कि देखो मतलब ओल्ड, वो डिनाई नहीं किया है, वो खुद से भागने का कोशिश नहीं किया है पोइट, वो क्लियर कट है, वो सीधा बता रहे कि हाँ हम एजिंग कर रहे हैं, अब मेरे पास और ज़्यादा दिन नहीं है, ना मेरे पास ब्यूथ है, सॉरी ना मेरे पास ब्यूटी है, ना मेरे पास यूथ है, कुछ नहीं है। लेकिन इस सब का बावजूद जो मेरा लवर है वो हमसे प्यार कम नहीं किया, हमसे दूर नहीं भागा, मेरा ये जो ओल्ड एज है इसको इंसल्ट नहीं किया, या इसका वजह से अपना प्यार को कम नहीं किया, फिर भी क्या हुआ, प्यार बना रहा, प्यार को और बढ़ा दिया, यही तो है ट्रू लव का निशानी। इसी तरीके से शेक्सपियर ने आखिरी क्लिंचिंग कपलेट में आके अपना फेयर यूथ का जो लव है, जो प्योर लव है, प्योरिटी ऑफ लव है, उसी को आइडियलाइज किया है पोइट आखिरी में क्लिंचिंग कपलेट में आके। तो यही था सोनेट नंबर 73 का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को मेरा समझाना हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट रहेगा या कोई सुझाव रहेगा कि वीडियो को कैसे इम्प्रूव करना है, या आप लोगों को कोई टॉपिक या कोई पॉइंट अगर चाहिए कि इस चीज़ पे वीडियो बनाने से ज़्यादा हेल्प रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट डाउन करके बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से वीडियो बनाने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।